दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि बॉयज के अंदर दाढ़ी मूछ कम होने की समस्या यानी लेस बियर्ड मुस्टैच प्रॉब्लम क्यों होती है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है। कम से कम सोसाइटी में 10% बॉयज इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं। दाढ़ी मूछ कम होने की वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो जाता है, उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं, ऑफिस में उनके बॉस उनको सीरियस नहीं लेते हैं, उनके बड़े बड़े असाइनमेंट नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि लड़का मैच्योर नहीं है, ये डील कर नहीं पाएगा, कितने बार लॉन्ग टर्म में उनका प्रमोशन भी कम होता है। तो सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि दाढ़ी मूछ कम होने की समस्या क्यों होती है, इसका इलाज क्या है और कैसे पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो आप जान लें कि जब भी लड़का यंग होता है सबके अंदर चारों तरफ दाढ़ी मूछ एरिया में हेयर होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, वो काले नहीं होते हैं, पतले होते से दिखते नहीं हैं। जब 13-14 साल 15 साल बॉय होता है, जब उसको प्यूबर्टी आती है, टेस्टिस ग्रो करता है, वहाँ से निकलता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन हेयर रूट पर एक्ट करके इस हेयर रूट में टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट करता है। DHT क्या होता है, एक्टिव हार्मोन होता है, इसका नाम है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो टोटल टेस्टोस्टेरोन हेयर रूट के अंदर DHT में कन्वर्ट करता है, फिर ये हेयर रूट को स्टिमुलेट करता है, जिससे ये सॉफ्ट थिन हेयर काले कड़े और बड़े जाते हैं, जिससे बियर्ड मुश्किल दिखना शुरू होता है। तो कई वजहों से बॉयज के अंदर दाढ़ी मूछ उग नहीं पाते हैं। दो मेन वजह होते हैं, या तो उसके अंदर मेल हार्मोन की कमी है, यानी मेल हार्मोन डेफिशिएंसी, या सारे हार्मोन नॉर्मल हैं बट हेयर रूट पर मेल हार्मोन का इफेक्ट कम है, इसे बोलते हैं हेयर रूट रेजिस्टेंस। जैसा कि चाइनीज, थाईलैंड, बैंकॉक, इन सब जगहों पे लोगों के होता है। तो आखिर मेल हार्मोन कमी के कारण क्या होते हैं, या तो टेस्टिस के अंदर कोई डिफेक्ट हो जिसकी वजह से उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, अदर हार्मोन कम बन रहे हैं, या ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां पे LH, FSH, प्रोलैक्टिन, अदर हार्मोन कम बन रहे हैं, या ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है वहां से कुछ हार्मोन बनते हैं जो पिट्यूटरी के थ्रू टेस्टिस का फंक्शन कंट्रोल करके मेल हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, या पेट में एड्रेनल ग्लैंड होता है उसमें कमी से भी मेल हार्मोन फंक्शन डाउन हो जाता है, या कोई जीन डिफेक्ट हो, कई जीन डिफेक्ट की वजह से टेस्टिस फंक्शन डाउन हो जाता है, या क्रोमोसोम डिफेक्ट हो, उसके क्रोमोसोम कमी की वजह से भी टेस्टिस फंक्शन डाउन हो जाता है। तो टेस्टिस फंक्शन डाउन, पिट्यूटरी फंक्शन डाउन, हाइपोथैलेमस डाउन, एड्रेनल डाउन, जीन डिफेक्ट एंड क्रोमोसोम डिफेक्ट, कई कारण की वजह से हार्मोन कमी हो सकती है। और हार्मोन कम बनेंगे तो हेयर रूट स्प्लिट कम होगा और दाढ़ी मूछ कम आएगा। सेकेंड कारण होता है कि हेयर रूट रेजिस्टेंस। किसी किसी अंदर क्या होता है कि हार्मोन सब नॉर्मल होते हैं बट हेयर रूट के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं जहां पर मेल हार्मोन बाइंड करता है, बाइंड करके इस हेयर रूट को स्टिमुलेट करता है, तो रिसेप्टर कमी होती है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन बाइंड कम करेगा। जब बाइंड कम करे तो DHT जनरेशन कम होगा। कितने वो DHT जनरेट हो जाए तो DHT आगे उसको हेयर रूट को स्टिमुलेट नहीं कर पाता है, उसके स्टेप में कहीं कमी होती है। तो अगर हेयर रूट रेजिस्टेंस होगा तभी बाल उग नहीं पाएगा। जब भी लेस बियर मुस्टैच के पेशेंट हम आप आते हैं तो उनका डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर देखते हैं कि उसको हार्मोन कमी है या हार्मोन नॉर्मल है, हेयर रूट रेजिस्टेंस है, और फिर अकॉर्डिंग को ट्रीटमेंट देते हैं। हार्मोन ट्रीटमेंट हर कंडीशन में इलाज है जो कि मोर देन 99% इफेक्टिव है। हार्मोन ट्रीटमेंट या तो कैप्सूल होते हैं, या जेल आता है, या इंजेक्शन आता है, डिपेंडिंग ऑन कारण क्या निकला। एक बार दवा स्टार्ट करते हैं तो 4 महीने के अंदर हेयर रूट उगना शुरू हो जाते हैं। पहले हल्के लाइट होते हैं, फिर थोड़े थिक हो जाते हैं, डार्कर हो जाते हैं, और 1 से 1.5 साल के अंदर घने दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। हार्मोन ट्रीटमेंट का बहुत कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कॉस्ट मुश्किल से 1000 पर मंथ कॉस्ट आता है एंड 1 ईयर to 1.5 ईयर के अंदर ये ठीक हो जाता है। ये मेडिसिन आप अपने सिटी में, अपने आसपास मेडिकल स्टोर बाय कर सकते हैं और इट इज सेफ और इफेक्टिव है। दुर्भाग्य क्या है कि अधिकांश डॉक्टर लेस बियर्ड मुस्टैच प्रॉब्लम सीरियस लेते नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हार्मोन चेक करते हैं, देखते हैं हार्मोन नॉर्मल है तो मेरे से बोलते हैं तुम नॉर्मल हो, तुम्हें कोई इलाज जरूरत नहीं है। पर अगर आप इस प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं
तो आप प्रॉपर हार्मोन थेरेपी से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हमारा मोबाइल नंबर है 9899180390, हमें राइट करें ईमेल आईडी info@diabetesthyroidhormone.com एंड इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।